हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। वेल गाइस, ये द हिंदू का न्यूज़पेपर है, सैटरडे 28 जुलाई 2018, पेज 3 है। और इसमें एक ऐसा न्यूज़ है जो बिगनर्स के लिए ठीक है, स्टोरी टाइप भी है और सीखने को भी मिल सकता है काफ़ी कुछ। देखते हैं गाइस, आई होप कि बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि जो थोड़े एडवांस लेवल के न्यूज़ है वो भी मैं लाऊँ। तो आज इसे देख लीजिए, देखते हैं फ्रेंड्स क्या है न्यूज। यह लिखा है कि टू हेल्ड फॉर वैंडलाइजिंग सीपीआई लीडर्स स्टैचू। ये जो वैंडलाइज है इसका मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, ओके। और लिखा है कि टू हेल्ड यानी कि दो लोगों को पकड़ लिया गया है इस काम को करने के लिए, वैंडलाइज करने के लिए। क्या वैंडलाइज किया, क्या तोड़फोड़ किया? तो सीपीआई लीडर्स के स्टैचू को, होंगे कोई सीपीआई लीडर, उनके किसी मूर्ति को तोड़फोड़ करने के लिए दो लोगों को पकड़ लिया गया है। तो ये तो आपका है हेडलाइन। अब देखते हैं न्यूज़ क्या है। यहाँ अगर देखें तो लिखा है कि नो पॉलिटिकल एंगल फाउंड इन टू द इंसिडेंट पुलिस। यानी कि पुलिस का कहना है कि ये जो घटना घटी है इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, कोई ऐसा कोई राजनीति नहीं हुई है कि जाओ और इसे वैंडलाइज कर दो, ये कोई एंगल नहीं सामने आया है। टू पर्सन्स हैव बीन अरेस्टेड। अब यहाँ देखिए, हैव बीन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है ये, इसका मतलब होता है कि कोई भी काम कर दिया गया है। तो टू पर्सन्स हैव बीन अरेस्टेड यानी कि दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, किस लिए? फॉर वैंडलाइजिंग अ स्टैचू ऑफ अ वेटरन कम्युनिस्ट लीडर बैद्यनाथ मजुमदार। अब यहाँ देखिए, जब भी ये फॉर आ जाए फ्रेंड्स, और फॉर के बाद हमेशा आपको देखिएगा जो वर्ब होगा तो आईएनजी में यहाँ पर दिखाई देगा, इसका मतलब कि ये काम करने के लिए। ये न्यूज़पेपर का एक बिल्कुल स्टाइल है, इसे समझ लीजिए। मैं बता दूँ आपको थोड़ा सा, ये फॉर, फॉर के साथ आपको वर्ब में आईएनजी मिलेगा। अब एग्जाम्पल है, जैसे आपने बोला कि टू पीपल हैव बीन अरेस्टेड, और ऐसे फॉर रहेगा। अब मान लो लिखा है कि फॉर मोलेस्टिंग अ गर्ल, अगर ऐसे है तो ये फॉर है और ये वर्ब में आईएनजी, यानी कि ये काम करने की वजह से। यहाँ पर इसका मतलब कि ये करने के कारण दो लोगों को गिरफ्तार किया है, ये काम करने के कारण। तो फॉर के बाद आपको एक्शन मिलेगा आईएनजी के साथ, फॉर मोलेस्टिंग, फॉर थ्रेटनिंग, फॉर रेपिंग, ऐसे। सो फॉर वैंडलाइजिंग इसका मतलब कि तोड़फोड़ करने के कारण गिरफ्तार किया गया। और स्टैचू किसको, किसकी तोड़फोड़ हुई है? तो स्टैचू की ऑफ वेटरन कम्युनिस्ट। ये जो वेटरन है, वेटरन का मतलब होता है जो बहुत पुराने होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो वेटरन कम्युनिस्ट लीडर हैं, जो एक साम्यवाद लीडर होंगे, इनका नाम है बैद्यनाथ मजुमदार। अभी एट से जुड़ा है कि एट श्री रामपुर, ये एक जगह है, यहाँ पर हुआ है श्री रामपुर इन उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा के इस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। द पुलिस सेड ऑन फ्राइडे, पुलिस ने फ्राइडे को कहा। तो यहाँ जो आपने यहाँ से यहाँ तक फुल स्टॉप में देखा, तो इतना मैटर है इसके अंदर। डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लकी चौहान सेड, यानी कि जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है जिले के, उन्होंने कहा द इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन वेंसडे। मैं हमेशा बताता हूँ कि टेक प्लेस एक फ्रेजल वर्ब है, टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना, तो टुक प्लेस का मतलब कि घटना घटी। तो जो घटना है कहाँ, कब घटी? वेंसडे को घटी, वेंसडे नाइट को। एंड टू यूथ्स have been arrested in this connection, और दो जो यूथ हैं, जो नौजवान व्यक्ति है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये have been है, present perfect का passive, in this connection यानी कि इस connection में। अब मैं आपको in this connection और in connection with, ये दोनों समझाता हूँ friends, काफ़ी use होते हैं newspaper में। या तो आपको दिखाई देगा कहीं पर in this connection, यह आपको दिखाई देगा इन कनेक्शन विद, इन दोनों में से कोई आपको जरूर दिखाई देगा, इन दिस कनेक्शन या इन कनेक्शन विद। इसका मतलब है
कि के संबंध में, संबंध में, अब चूंकि यहां पर दिस है तो इस दिस का मतलब है कि इसके संबंध में, तो अगर ऐसा लिखा हो कि टू पर्संस वर अरेस्टेड इन दिस कनेक्शन, तो इसका मतलब है कि पहले ही ऊपर मैटर बता दिया गया होगा कि किस, कौन सा काम इन दोनों ने किया था, वो पहले ही दिखा दिया गया होगा कि चोरी था, रेप, मर्डर बता दिया गया होगा, तो उसके बाद लिखा होगा कि टू पर्सन्स वर अरेस्टेड, दो लोगों को गिरफ्तार किया गया इन दिस कनेक्शन, इस संबंध में, और अगर इन कनेक्शन विद होगा तो कैसे होगा, इसी को देखते हैं कि टू पर्सन्स, मान लो यहाँ हैव बीन लगा देते हैं, टू पर्सन्स हैव बीन अरेस्टेड, यानी कि दो लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है इन कनेक्शन विद, अब जैसे यहाँ विद होगा तो विद के बाद वो क्राइम आ जाएगा, इन कनेक्शन विद मर्डर, रेप, थेफ्ट, ये यहाँ पर आपको वो जुर्म दिखाना पड़ेगा, वो क्राइम दिखाना पड़ेगा, तो ये है आपको न्यूज़पेपर में या तो इन दिस कनेक्शन या इन कनेक्शन विद मिलेगा फ्रेंड्स। मिस चौहान एडिट, अभी एडिट का मतलब है कि जो मिस चौहान है, जो पुलिस वाली है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी ऐड किया दैट द पुलिस हैव नॉट फाउंड एनी पॉलिटिकल एंगल। अब पुलिस हैव नॉट फाउंड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, एक नॉर्मल नेगेटिव सेंटेंस है कि भाई पुलिस को नहीं मिला एनी पॉलिटिकल एंगल इनटू द इंसिडेंट, इस मामले में कोई भी कोई राजनीतिक पहलू, कोई एंगल नहीं था। अब है इट मे बी रिकॉल्ड, रिकॉल्ड का मतलब क्या है कि इसको ये याद किया जा सकता है, रिकॉल मतलब कि कोई पुरानी कोई घटना घटी होगी तो उसको रिकॉल करना, उसको दोबारा उसको याद करना, कि उसके बारे में सोचना, कि इट मे बी रिकॉल्ड, इसको उस नज़रिए से याद किया जा सकता है दैट सून आफ्टर द बीजेपी केम टू पावर, यहाँ लिखा है कि बीजेपी के पावर में आने के तुरंत बाद इन द स्टेट, स्टेट में अ ग्रुप ऑफ मिसक्रीन्स, मिसक्रीन्स का मतलब होता है जो गुंडे होते हैं, जो इस तरह की जो बदमाशी करते हैं वो मिसक्रीन्स है, तो ग्रुप ऑफ मिसक्रीन्स हैड बुलडोज्ड द स्टैचू ऑफ अ कम्युनिस्ट आइकन व्लादिमीर लेनिन एट बिलोनिया। कह रहा है कि जब बीजेपी स्टेट में जब आई थी, जब सरकार आई थी, तो कुछ ग्रुप था जो लोग थे बदमाश, उन्होंने उसको बुलडोज कर दिया था, पूरे स्टैचू को ही तहस नहस कर दिया था, ढा दिया था, उसे गिरा दिया था, ये जो व्लादिमीर लेनिन है इनके स्टैचू के साथ हुआ था। द हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट इन मे दिस ईयर, यानी कि इस साल के मे में ये कहाँ पर हुआ था, जो बिलोनिया है जो कि त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर ये हादसा हुआ था। देखते हैं कि सून आफ्टर क्या है, सून आफ्टर का यूज़ देखते हैं फ्रेंड्स। सून आफ्टर जब भी आपको न्यूज़पेपर में मिले, इसका मतलब है तुरंत बाद, जैसे आप कह सकते हैं कि द एक्यूज्ड वॉज नैब्ड soon after the incident, यानी कि जो आरोपी था उसे दबोच लिया गया, नया मतलब दबोचना, दबोच लिया गया soon after the incident, घटना के तुरंत बाद, soon after, तो soon after the क्राइम पुलिस केम, क्राइम के तुरंत बाद पुलिस आ गई, सून आफ्टर द एक्सीडेंट ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, एक्सीडेंट के तुरंत बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, तो ऐसे आप सून आफ्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तुरंत बाद, तो उसी तरह लिखा था कि सून आफ्टर द बीजेपी केम इनटू पावर, यानी कि बीजेपी केम इनटू पावर, जब बीजेपी पावर में आई उसके तुरंत बाद, सून आफ्टर, ये इसका मतलब है। लोकल्स इन्फॉर्म्ड द वेडनेसडे इंसिडेंट टू द पुलिस, यानी कि जो लोकल थे उन्होंने जो बुधवार को घटना घटी उसकी सूचना पुलिस को दी,
हु देन ट्राई टू आइडेंटिफाई द मिसक्रिएंट्स, हु यानी कि जिन्होंने मिसक्रिएंट्स को, उन गुंडों को, बदमाशों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। टू यूथ्स यानी कि दो नौजवान आइडेंटिफाइड यानी कि उन्हें पहचाना गया एज लेतन सरकार एंड रंजीत नमा। अब ये देखिए, जब भी आइडेंटिफाइड आएगा और नाम से पहले आपको एज ज़रूर दिखाई देगा कि देवर आइडेंटिफाइड एज डैश एंड डैश, ये एज आपको नजर आएगा। तो ये है वर अरेस्टेड, उन्हें गिरफ्तार किया गया इन दिस कनेक्शन। पता है इन दिस कनेक्शन मतलब इस संबंध में, मिस चौहान सेड, ऐसा मिस चौहान ने कहा। बैद्यनाथ मजुमदार्स स्टैचू वॉज सेटअप। अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि वो इन 2012 यानी कि उनका जो स्टैचू था 2012 में सेटअप किया गया था, वहाँ बनाया गया था, स्थापित किया गया था। आफ्टर हिज डेथ द ईयर बिफोर यानी कि एक साल पहले जो उनकी डेथ हुई थी उसके बाद। मजुमदार वॉज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट यानी कि वो स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। इन द कैबिनेट ऑफ वेटरन कम्युनिस्ट लीडर यानी कि जो पुराने जो कम्युनिस्ट लीडर थे उस कैबिनेट में, दशरथ देव फ्रॉम 1993 टू 1998। तो ये इन्फॉर्मेशन है कि वो कौन थे, जिनकी मूर्ति तोड़ी गई है वो कौन थे, वो इन्फॉर्मेशन। फॉर्मर एजुकेशन एंड लॉ मिनिस्टर तपन चक्रवर्ती अ सीनियर लीडर ऑफ द CPI अलीज्ड यानी कि ये जो फॉर्मर एजुकेशन और लॉ मिनिस्टर जो हैं तपन चक्रवर्ती जो कि एक सीनियर लीडर है अलीज्ड, उन्होंने बयान दिया दैट द रूलिंग BJP एक्टिविस्ट जो BJP के जो कार्यकर्ता हैं जो एक्टिविस्ट हैं हैड नॉकड डाउन द स्टैचू यानी कि जो BJP एक्टिविस्ट हैं हैड नॉकड डाउन द स्टैचू, उन्होंने उस स्टैचू को गिरा दिया था। ही वॉज द मोस्ट रिस्पेक्टेड मास लीडर, वो बहुत बड़े एक रिस्पेक्टेड लीडर थे इन द स्टेट, पूरे स्टेट में, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस। अब यहाँ देख रहे हैं कि बहुत बड़े नेता थे स्टेट के, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस यानी कि जो पॉलिटिकल जो संबंध होते हैं, जो कनेक्शन होते हैं, उसकी परवाह ना करते हुए, मतलब वो ना भी माने तो बहुत बड़े एक मास लीडर थे। मास मतलब एकदम भीड़ इकट्ठी हो जाए ऐसे एक लीडर थे मिस्टर चक्रवर्ती सेड, ऐसा मिस्टर चक्रवर्ती ने कहा। अभी इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या है, मैं इसको आपको समझाता हूँ। इररिस्पेक्टिव ऑफ इस इररिस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है परवाह किए बगैर या परवाह किए बिना। यानी कि अगर मैं लिखूं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग बीटन आई प्रपोज्ड दैट गर्ल, अब इसका क्या मतलब, irrespective of being beaten यानी कि पिटने की परवाह किए बिना, I proposed that girl, मैंने उस लड़की को प्रपोज किया। तो परवाह किए बिना यानी कि फ़र्क ना पड़े। तो अगर और देखें, irrespective of age group and sex, इसका मतलब है कि एज कोई भी एज ग्रुप हो सकता है, कोई भी सेक्स मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, तो इनकी परवाह किए बगैर अगर ऐसा दिखाई दे कहीं पर, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप एंड सेक्स दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल यानी कि ये प्रोडक्ट सबके लिए है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई एज ग्रुप नहीं है, उसकी परवाह किए बगैर। तो उसी तरीके से यहाँ इरिस्पेक्टिव ऑफ का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, कि पॉलिटिकल जो संबंध होते हैं उसकी परवाह किए बगैर, वो ऐसे भी भीड़ के लीडर थे, डजेंट मैटर कि किस फलाने मतलब पार्टी से हैं, तभी है वो अच्छे लीडर थे। अब है कि BJP स्टेट सेक्रेटरी नीतीश डे डिमांडेड अरेस्ट ऑफ द मिसक्रिएंट्स
यानी कि उन्होंने बोला है कि भाई जो मिसक्रिएंट्स है, जो जो गुंडे हैं, वो अरेस्ट हो जाने चाहिए। उनकी डिमांड की है, मांग की है बिहाइंड द इंसिडेंट, जो भी इस इंसिडेंट के पीछे हैं। फिर देखिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल कलर, कि अगर वो किसी पॉलिटिकल से किसी राजनीति में भी अगर इन्वॉल्व है तो उसकी परवाह किए बगैर वो गिरफ्तार होने चाहिए। तो ये देख रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल कलर, तो इनका क्या पॉलिटिकल कलर है, अगर उनका कोई कनेक्शन भी है तो उसकी परवाह किए बगैर वो गिरफ्तार होने चाहिए, ऐसा डिमांड किया है बीजेपी स्टेट सेक्रेटरी नीतीश दे ने। अब है, द पार्टी ऑल्सो टुक आउट अ प्रोसेशन, और जो पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है इनकी, इन्होंने एक प्रोसेशन भी निकाला। टुक आउट अ प्रोसेशन मतलब एक यू नो जुलूस जिसे कहते हैं, जुलूस सा निकाला ऑन थर्सडे एट कैलाश शहर टाउन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंसिडेंट। तो इस टाउन में निकाला कि उस इंसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए मिस्टर दे सेट। प्रोटेस्ट का मतलब है कि जब भीड़ इकट्ठी होती है किसी चीज़ के खिलाफ तो उसे प्रोटेस्ट कहा जाता है इंग्लिश में, धरना आप कह सकते हो। स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट बिराजीत सिन्हा अलीस्ट, जब भी अलीस्ड आए इसका मतलब कि बयान दिया है, और अलीस्डली आए इसका मतलब बयानित रूप से। तो जो स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट है, इन्होंने बयान दिया दैट द बीजेपी गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड अ टेरर लाइक सिचुएशन इन द स्टेट, कि जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एकदम आतंक जैसा सिचुएशन परिस्थिति पैदा कर दी है स्टेट के अंदर। द CPI ऑन फ्राइडे, CPI का मतलब है कम्युनिस्ट जो पार्टी ऑफ इंडिया है, और M का मतलब जो मार्क्सिस्ट होते हैं, जो मार्क्सवादी होते हैं वो है। तो जो CPI ऑन फ्राइडे टुक आउट अ प्रोटेस्ट, उन्होंने वो एक जुलूस से निकाला, एक धरना से निकाला, रैली निकाला एट अगरतला में अगेंस्ट द इंसिडेंट के खिलाफ। स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स, यानी कि इसका मतलब क्या है, रिपोर्टर्स से बात करते हुए, स्पीकिंग करते हुए, ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर पवित्रा कर, हु लेड द रैली, जिन्होंने रैली को लीड किया था, सेड, उन्होंने कहा द रूलिंग बीजेपी इज लीडिंग अ सीरीज ऑफ अटैक्स, ये जो बीजेपी की जो सरकार है ये लीड कर रही है, नेतृत्व कर रही है सीरीज ऑफ अटैक्स अगेंस्ट द कम्युनिस्ट हेयर, तो ये कम्युनिस्ट के खिलाफ जितने भी अटैक हो रहे हैं तो यही लीड कर रही है, मतलब इनका शक बीजेपी के ऊपर है। दे डिमोलिस्ड आवर पार्टी ऑफिसेस, उन्होंने हमारे पार्टी ऑफिस को डिमोलिश कर दिया, तबाह कर दिया, एंड देन स्टार्टेड बुलडोजिंग देम विद द गवर्नमेंट सपोर्ट, और गवर्नमेंट सपोर्ट के कारण वो सबको बुलडोज कर रहे हैं, सब चीज़ों को तहस नहस कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। दे वैंडलाइज्ड स्टैचूज ऑफ मेनी ग्रेट लीडर्स, बहुत सारे जो महान नेता हैं उनके स्टैचू को वैंडलाइज कर दिया है, तोड़फोड़ दिया है। बट कम्युनिस्ट्स कैन नॉट बी वाइप्ड आउट, अब ये कैन नॉट एक मॉडल का पैसिव है, कैन नॉट बी वाइप्ड आउट, कि वो फ्रॉम द त्रिपुरा बाई दीज एक्ट्स, इस तरह की घटनाओं से जो कम्युनिस्ट हैं वो वाइप आउट नहीं हो सकते, मतलब वहाँ से हटाए नहीं जा सकते। वाइप आउट का मतलब एकदम ख़त्म कर देना, वाइप आउट, जब हम पोछा मार देते हैं ना, पानी को वाइप आउट कर देते, एकदम हटा देते हैं, तो वो नहीं किया जा सकता है। तो गाइस, इस न्यूज़ में आपको यही मिला, जो बिगनर्स है उन्हीं के लिए स्पेशली न्यूज़ था, क्योंकि इसमें आपको स्टोरी भी है और हर तरह के स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाते हैं। अब जो सीनियर्स है या वो बिगनर्स जिनको ये चीज़ें आ चुकी हैं, अब वो काफ़ी हद तक समझ गए हैं कि हाँ यही स्ट्रक्चर है, अब वो आगे बढ़े हैं फ्रेंड्स, तो उनके लिए अब जो मैं न्यूज़ लाऊंगा वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, हो सकता है कभी एडिटोरियल भी हो सकता है कभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपका इंटरेस्ट ना हो, फिर भी आप उससे कोशिश करना, क्योंकि आप कब तक इस तरह की सिर्फ स्टोरी टेलिंग पे काम करोगे, आगे तो आपको बढ़ना ही होगा फ्रेंड्स। तो बस इतना ही है, अगर आप चाहें तो ये इस पेज का आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। वेल गाइज, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइज़।